अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी, जिसे कि आमतौर पर मांडा पट्टी भी कहा जाता है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे बनाकर इजीली फ्रीजर में रख सकते हैं और इसे 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको समोसे और रोल को फोल्ड करना भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मांडा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, इसको हमने छान लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हमने पानी इसमें ज़रूरत के मुताबिक शामिल करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है, बस आपने ठंडा पानी नहीं लेना, या फिर हल्का सा नीम गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। तो ये डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो डो हमारी सेट हो गई है, अब हम इसको साइड पर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है खुश्क मैदा, और इसके साथ ही हम एक प्लेट भी रख लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेके उसका एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे साइज के। तो ये देखें, इस साइज के हमने पेड़े बना लेने हैं। तो ये मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं, अब हम इनको बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बेलनी नहीं है, बस दरमियानी सी एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है। इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी बेल लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 4 रोटियां बेली हैं, तो हम 4 रोटियों का एक सेट तैयार करेंगे। अब हम इस रोटी के ऊपर लगा देंगे ऑयल ब्रश की मदद से। आप ऑयल की जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे इस तरह से। अब हम फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो इसी तरह हम इसके ऊपर ऑयल लगाते जाएंगे और फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे, और इसी तरह 4 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप 4-4 रोटियों का सेट बना लें, 3-3 रोटियों का बना लें, जैसे आपको इजी लगे। तो ये हमने 4 रोटियां रख ली हैं। अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो हमने एक बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। तो ये देखिए, हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसको उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं पकाना, ना ही हमने इसको मुकम्मल तौर पे पकाना है। बस इतनी देर पकाना है कि रोटी का जो कलर है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो ये देखिए, रोटी का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो हमने इसको मुकम्मल तौर पर कुक नहीं करना। ये देखिए, दूसरी साइड पर इसके बहुत ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स नहीं आए। तो इतना ही हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड भी चेक करेंगे। तो ये देखें, रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब हम इस रोटी को गरम गरम ही इसकी जो साइड परत हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। आप इसको थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से थोड़ी सी जुड़ गई है, तो ये कोई बात नहीं। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसको हम निकाल देंगे साइड पर। इसी तरह हम इसकी सारी जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखें, तो हमने इन सारी लेयर्स को अलग अलग कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये रोटी को अगर उतारते हुए आपसे कोई साइड टूट जाए तो उसको हम साइड पे निकाल देंगे, उसको कटिंग में निकाल देंगे। अब हम एक साइड से इसको इस तरह फोल्ड करके इस पे एक निशान सा लगा लेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्केल भी रख सकते हैं। अब हम नाइफ की मदद से इसको काट देंगे। तो इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इस पे निशान लगा लेंगे और इसको काट देंगे।
ये जो मांडा पट्टी बच गई है इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप फ्राई कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त ही हमारी पापड़ी तैयार हो जाएगी चना चाट के लिए, ये दही बड़ों के लिए। अब हम इसकी ये वाली साइडें भी काट देंगे। तो हमने इसको चारों साइडों से काट दिया है, तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी रोल पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी समोसा पट्टी काटेंगे, इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इस तरह दरमियान में से इसको काट लेंगे, तो एक एक रोटी के चार समोसे बन जाएंगे। तो ये हमारी समोसों के लिए पट्टियां तैयार हो गई हैं। तो व्यूअर्स जी, मैंने सारी समोसा और रोल पट्टियां काट ली हैं और ये दो मैंने स्क्वायर शेप में काटी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रोल की फिलिंग आपने किस तरह करनी है। तो यहाँ पे आपने फिलिंग रख लेनी है और इसको इस तरह फोल्ड कर देना है और इन दोनों साइडों को भी इस तरह फोल्ड कर देना है और मैदे और पानी का एक पेस्ट बना के इस जगह पे आपने इसको लगा देना है और फिर रोल को दोबारा से इस तरह फोल्ड करते जाना है। ये देखें, तो ये ज़बरदस्त सा हमारा रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी तो इसमें फिलिंग नहीं है तो इसलिए ये थोड़ा इस तरह चिपटा सा बना है, लेकिन आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पे आप फिलिंग रखेंगे और रोल को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसकी दोनों साइडें भी फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने स्प्रिंग रोल बनाना सिखाए थे वो देखी है, तो उसमें मैंने इसी तरीके से रोल्स को फोल्ड किया है। और यहाँ पे अब हम मैदा और पानी का पेस्ट लगा के इस तरह इसको रोल कर लेंगे, तो ये हमारा दूसरे तरीके से रोल तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि समोसे को किस तरह फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम समोसे की पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैदे और पानी का पेस्ट लगा के इसको इस तरह चिपका देंगे और इस तरह दरमियान में इसके फिलिंग रख देंगे और ऊपर वाली साइड को इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा इस तरह ट्राइंगल समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मांडा पट्टी को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप इसे बनाकर किसी भी एयर टाइट बैग में डालकर 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब कभी आपका रोल या समोसा बनाने का दिल करें आप इसे निकालें और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फिलिंग करें और इसको फ्राई कर लें। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।